हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संचित और आज हम बात करने वाले हैं सोशल कॉमर्स के बारे में। अभी तक आपने सुना होगा ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां से जो बायर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। और ई कॉमर्स में जैसे आजकल बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जैसे, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। और उस कंपटीशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो हुआ है सोशल मीडिया वेबसाइट्स को। और एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसका नाम है सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स बेसिकली एक सबसेट है ई कॉमर्स का ही। और सोशल कॉमर्स में सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, जो कि ब्रांड्स, सेलर्स और बायर्स को एक चांस देता है अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए। सोशल कॉमर्स को आसान तरीके से समझने के लिए सोशल कॉमर्स के तीन मॉडल्स हैं, जो जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। और उन मॉडल्स में पहला मॉडल है वीडियो कॉमर्स का। वीडियो कॉमर्स में क्या होता है कि वीडियो का यूज़ करके जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और वीडियो कॉमर्स में दो कंपनीज हैं, बुलबुल और सिमसिम, जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो बेसिकली बुलबुल और सिमसिम पे क्या होता है कि जो सेलर्स हैं वो अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइव वीडियो पे सेल करते हैं, और जो बायर्स हैं रियल टाइम में उनसे क्वेश्चंस और उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं, और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला मॉडल। और अब दूसरा मॉडल है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही ऐसे फीचर्स आ गए हैं, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम बिजनेस, जहां पर जो फेसबुक यूज़र्स हैं और इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं वो फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं अगर वो सेलर्स हैं तो, और वो वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अगर उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है बिना किसी एक्सटर्नल वेबसाइट्स पर जाए। ऐसा ही सिमिलरली इंस्टाग्राम पर भी है। इंस्टाग्राम यूज़र्स अपने नॉर्मल अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। और जो भी सेलर्स के अकाउंट्स को, जो भी इंस्टाग्राम पे यूज़र्स, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनकी कैटलॉग्स को, और वहीं से खरीद सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाए। तो ये हो गया दूसरा मॉडल। एक और मॉडल है जो तीसरा मॉडल है, जिनको इंडियन कंपनीज जैसे मीशो और ग्लोरोड फॉलो करते हैं, और इस मॉडल को हम कहते हैं सोशल रीसेलिंग। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप एक नॉर्मल सेलर हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, आपने उसके बाद मीशो और ग्लोरोड पर साइन अप किया एज अ सेलर, और वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया, और उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के बाद अपने सोशल सर्कल में सोशल मीडिया पर उन प्रोडक्ट्स को शेयर किया, और अगर आपके किसी भी फ्रेंड को जो कि फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम पर है, वो उसको अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आपसे पूछेगा और आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं अगर वो खरीदना चाहता है कोई प्रोडक्ट। मीशो और ग्लोरोड जैसी वेबसाइट्स उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली उसके घर पे शिफ्ट कर देंगी और आप एज अ सेलर अपना पैसा कमा लेंगे। तो सोशल कॉमर्स का जो सबसे बड़ी बॉटम लाइन है वो ये है कि लोग उन लोगों से ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जिन लोगों पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सोशल कॉमर्स जो है उसकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है इंडियन कॉमर्स में, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो इंडिया में स्पेशली बहुत फैक्टर करता है प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग में। क्योंकि लोग अभी भी, मेरा तो मानना ये है कि लोग अभी भी ऑनलाइन, लोगों को एक डाउट होता है कि हमारा प्रोडक्ट सही आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस हो चुके हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया उसकी जगह कोई और ही प्रोडक्ट आ गया, तो उससे लोगों का ट्रस्ट टूटता है ऑनलाइन सेलिंग की तरफ और ऑनलाइन बाइंग की तरफ भी, कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे एज अ सेलर या नहीं करेंगे, या क्या एज अ बायर कभी कभार लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट मंगवाऊंगा तो क्या मुझे, मतलब कोई और प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा मुझे। तो सोशल कॉमर्स में एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत काम में आता है, जिससे कि इस सोशल कॉमर्स की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और इस वजह से मुझे लगता है कि सोशल कॉमर्स जो है वो आगे बहुत ज़्यादा ट्रेंड ना होके एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीका बनने वाला है, जिसमें लोग ऑनलाइन अपना बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यही दो तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन ई कॉमर्स स्पेस में चल रहे हैं, जिनके थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।